करता है। आज हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हम लोग केंद्र की बात करते हैं, दिल्ली का ठेका हम झारखंड में गोमिया में लेके रखे हैं, आज वहां जाइए तेलंगाना की बात कीजिए, अब तमाम जो दक्षिण भारत के स्टेट है वहां केंद्र की कोई बात नहीं करता है, उसको मालूम है कि हम बोल्ड सांसद भेजेंगे वो मेरा अधिकार गांव तक लड़के लेके आएगा। आप केंद्र की चिंता में, आज आपका बच्चा बेरोजगार है लेकिन सवाल करने वाला नहीं, आपको केंद्र की चिंता है वही चिंता आप कर रहे हैं, तब ना फिर पानी बिजली की चिंता मत कीजिए, वो तो है ही है। आज आज नहीं, केंद्र का मतलब क्या है राष्ट्रवाद, अच्छा एक बात बताइए, गरीब का बच्चा पे राष्ट्रवाद क्यों खोजा जाता है, कभी अडानी के बेटे में राष्ट्रवाद क्यों नहीं खोजे आप, पूरा कोरोना के टाइम में पूरा, ये तो हम इसलिए केंद्र की चिंता मत कीजिए, झारखंड में अगर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए तब झारखंड की फिलहाल सोचिए, केंद्र को हमने क्या नहीं दिया बताइए, तो बीटीपीएस हम लोग के जमीन में, सीटीपीएस हम लोग के जमीन में, ONGC हम लोग का जमीन में, रेल हम लोग का जमीन में, कोयला खदान हम लोग का जमीन में, क्या नहीं दिए केंद्र को बताइए, तो कितना रिवेन्यू चाहिए केंद्र को, आज अगर ढोल बना ना बजाने के लिए तो चमड़ा झारखंडियों का है, इतना हम लोग केंद्र को दिया, आज भी आप केंद्र केंद्र कर रहे हैं, केंद्र हमको क्या दिया हम पूछते हैं, क्या केंद्र आज एक बैठक भी किया है हमारे लिए कि झारखंड के डेवलपमेंट पे हम चर्चा करते हैं, झारखंड के विस्थापितों पे हम चर्चा करते हैं, इसीलिए हम लोग मेरा स्टैंड क्लियर, हम लोग झारखंड की बात करेंगे जो दक्षिण भारत का मॉडल है, आज उत्तर भारत केंद्र की बात करता है, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर भारत में है, बिहार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, जो दिल्ली की बात करता है गोमिया में बैठ के, आज सबसे तकलीफ उसी को मालूम है कि दिल्ली का बात करता है, ये गांव नहीं देखता, ये दिल्ली को देखता है, दक्षिण भारत जाइए दिल्ली को नहीं देखता, अपना गांव देखता है, मेरा गांव मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हम लोग झारखंड लेके आए हैं, झारखंड विचारधारा के साथ रहेंगे, जो झारखंड में बात करेगा हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, बहुत दिन हुआ केंद्र के नाम पे, आज कब से नहीं, तमाम कल कारखाना तो आज कोई 1950 से खड़ा है, कोई 1959 का योजना है, कोई 1964 का योजना है, लेकिन आज भी लोग कोर्ट का दरवाजा ठकठका रहा है इंसाफ के लिए, इसीलिए अब हमको लगता है कि केंद्र की नहीं अपने बच्चों की चिंता कीजिए, कि जो उनके लिए मुखर होकर बोलेगा, अब केंद्र को देख के वोट दें, इसलिए सांसद और विधायक आप इंटरेस्ट नहीं लेता है, दो तीन लोग तो ऐसे भी दे देगा, मोदी मैजिक के नाम पे दे देगा, तो कोई राहुल गांधी के नाम पे दे देगा, इन लोग अपना बच्चा के लिए वोट ही नहीं करता, इसीलिए देखिए आज ये वो फ्री फेयर एग्जाम नहीं हो पाया कि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उस समय आप कहा नहीं सवाल किए, जैसे परीक्षा लीक हो गया 27 लाख आप कहाँ पाइएगा, एगो पेपर लीक में 27 लाख रुपए सामने है, कौन माँ बाप है जो अपना बेटा को मतलब चपरासी का नौकरी 27 लाख में खरीद के दीजिएगा, क्योंकि आपका आपको वहां गुस्सा नहीं आता है, आपका सवाल वहां नहीं आता है, केंद्र में क्या हो रहा है, केंद्र में 70 साल से जो हो रहा है देख ही रहे आप, तो इसीलिए हम लोग नए झारखंड को रिप्रेजेंट करने आते आए हैं, यदि आपको लगता है कि हम लोग नया झारखंड रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो साथ दीजिए, नहीं लगता है मत आपका है, आज तक हम कभी कभी अपना आज हम 3000 सभा किए, कभी हम वोट का बात नहीं किए हैं, हम हमेशा जागरूकता का बात किए हैं, नहीं बताइए ना आज राष्ट्रवाद के नाम पर जो देश में माहौल है, कभी अडानी के बेटे कहने पूछे कि तुम राष्ट्रवादी कहे नहीं है, राष्ट्रवादी गरीब का बच्चा कि तुमको रोजगार चाहिए, सर तुम राष्ट्रवादी नहीं है, तुम देशद्रोही, तुमको रोजगार चाहिए, उसका 1600 करोड़ का संपत्ति बढ़ गया कोरोना के टाइम में, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई चर्चा करने वाला नहीं, तो केंद्र पे क्या है बैठ के पड़े हैं भैया, अब अपने स्टेट की बात कीजिए, मेरा बोर्ड आज बिहार का नीतीश कुमार लोग उसको गाली दे चाहे जो बोले, लेकिन दिल्ली का पार्टी को घर में नचा के रखा है, अपना स्टेट में हावी होने नहीं दिया, आप अल्टू बोलिए पलटू बोलिए घलटू बोलिए, लेकिन आज झारखंड में एक बोल्ड लीडर आपका नहीं है, एक लीडर आपका झारखंड में नहीं है, ये केंद्र के चलते दिल्ली देखेंगे मोदी मैजिक, तो मैजिक से पिट नहीं पड़ता, ठीक है उसी को आप वोट दिए थे, सवाल तो बनता था कि कहां है 2 करोड़ का रोजगार, सवाल तो बनता था क्यों दे दी हसदेव जंगल एक आदमी को, सवाल तो बनता था तमाम झारखंड की योजनाओं को कहे बेचने की आदमी को, हमको भी बेच दीजिए ना भाई, तो इसलिए केंद्र विषय नहीं है, अब विषय बनाइए झारखंड, झारखंडियत दक्षिण भारत के तर्ज पे, किसी भी आज झारखंड का लड़का पहला प्राथमिकता क्या रहता है पूछिएगा उसको, कहा ना सीधे चेन्नई का ट्रेन पकड़ लिया, कहा ना तेलंगाना हैदराबाद शिफ्ट हो गया, क्योंकि भैया वो अपने स्टेट की बात करता है, वो अपने लोकेलिटी की बात करता है, और आज भी हम कोयला का हेडक्वार्टर कलकत्ता, डीबीसी का हेडक्वार्टर कलकत्ता, फिर भी हम केंद्र की बात करते हैं, डीबीसी कहाँ है काकुतोरे से पूछे, डीबीसी काम कहाँ पे हुआ है धनबाद बोकारो में, कौन हिसाब से कलकत्ता हेडक्वार्टर रहते, तो केंद्र के हमने की न दे, आज सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण भेल है अनुपात में तो झारखंड में भेल है, आज कई लाख एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण भेल, BSL 33,000 एकड़ के भूमि अधिग्रहण, अब बदले में BSL के लोग तो ही देख लो, तो ही जिस क्षेत्र में खड़ा है विस्थापित क्षेत्र लगो, सारा चीज केंद्र के लगो, तो कहे ना केंद्र कर में अगर समस्या का समाधान कर रहे, कहे ना स्थानीय तो बात करे भाई, इसलिए थोड़ा सा झारखंडियत के लेके कट्टर रहा, ताकि जब तक अपन वोट के लेके कट्टर ना हवा दक्षिण भारत के तर्ज पर, तब तक हमने उम्मीद ना हो कि अखनी हमने पे ध्यान देते और गौर कर दो, इसलिए अपन वोट के चोट दिया सीखा, मत तो होने लगो देना ना देना, वो तो अलग विषय है।
हाँ दीदी सब तो नहीं, हम यार नहीं भी गाँव गाँव केडर के दे दो पैसा कर जो गाँव देख ले, लेकिन तो सवाल को उत्तर दिया ना है तो देख लिया तो कोई भी सांसद विधायक भी है तो आर थोड़ी हम अकेले थोड़ी हो आर चार पांच को डे थे तो हमारा दिखाई देंगे 10 मिनट तो अगर सवाल कर ला तो सवाल का उत्तर दे लो। नहीं वो तो 20 साल बाद पता चलेगा जो हम लोग का फ्री का हैबिटेट हो रहा है, इसीलिए वो 20 साल बाद जब हम लोग का आभास होगा। खैर वो सब विषय अभी है ही है, लेकिन देखिए सांसद खेती बंद हो गया। हाँ तोरे हम पर क्षेत्र तमाम देख लिए, एक भी क्षेत्र में हमारा नहीं बुझा के धान लगा न हटे हमने चिंता न अभी हमने गड़िया में हटे डिस्कस करा लिए यार 10 साल बाद की बात है, जैसे चिप्स बने थे खाली सब्जी हुए थे सब्जी के वैरायटी बनते की चार के तो ठेकाने रखे या फिर कोई टैबलेट है कि टैबलेटवा खाए के भूख मिटे थे तो सही खातिर जकड़ा सटे गलियो मुद्दा सही बोल रहा है कुछ उसने व्यवस्था है खेती बाड़ी एकदम खत्म भाग गए तो इतना बड़ो ग्रामीण क्षेत्र लगो अरे यार को खेत नहीं दिखा रहा देखा हमें स्पष्ट कहो एक सांसद के जो क्षमता है वही काम करेंगे। यहाँ का सांसद जीतने के बाद देखिए कोई भी हो सकता है कि आप जीतने के बाद आप भी ना हो सकता है। ठीक है आपका सवाल गलत नहीं है, कहीं भी एमपी हो एमएलए हो या फिर मतलब जीतने के बाद उसका उस गांव का एक बार सकल देखना भी नहीं बिल्कुल। ठीक है सवाल को उत्तर दे दीजिए सुन लिया मोरे से पहले भूत बनने लगी थी नहीं नहीं हमने बोल रहे कि मरने से पहले भूत सबको पता है मरना तो फिर हम भी वही मतलब बोल जो लोग दोहराया कि अभी चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ का एमएलए है ना वो कितना बार आए वो कितना बार आके ये सवाल एमएलए से होना चाहिए नहीं तो वही चीज हमसे आपसे ये सवाल एमपी साहब से होना चाहिए था बहुत बड़ा था ठीक है हम आपको जीता ठीक है मेरे तरफ से कंफर्म है कि आपको अगर आप जीते तो फिर आपको वापस आके देखना पड़ेगा। अरे बप्पा फिर हमने कहाँ रहे ना आए तो नहीं ठीक है। अच्छा सुना पहले आप तो हम बोल दे अभी हम कोनो गांव जाए ना तो दुगो बूढ़ी हलते ना सुन ऐसे नहीं दियो बूढ़ी को कहा थे नेको नेता आवे वाला हले और हमको सामने है नेतवा का खान लेते हमें कहले दीदी दादी हम ही लगे को किधरवा लगे तो एगो पहला सोच बदल देलियो नेता मतलब की धोती पजामा वाला टेनिस कुर्ता वाला लेकिन वो गंजी पिदल लड़का नेता बन के आए लो तो पहला आगे बदल लो कि नहीं सोच तो धीरे धीरे सब बदलते जब नया लड़का पॉलिटिक्स में आए और बेहतर बेहतर नहीं बात सही हम लोग देखिए पहला बात यूथ को हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं कि यार यूथ लोग भी लगाता है फेसबुक अपना गुस्सा दिखाता है जाके एबीएम का बटन में दिखाइए गुस्सा इस बार गिरडी लोकसभा में आपको मौका दिए हैं आज यही यूथ लोग इंस्टाग्राम में फेसबुक गुस्सा दिखाता है कि यूथ को नेता होना चाहिए तो आज एक यूथ आपके बीच आया है अभी इंडिपेंडेंट आया है किसी के दम पे नहीं आया है आया है तो यूथ के दम पे आया है अपने टैलेंट के प्रतिभा के दम पर आया है एकदम ईवीएम के बटन में गुस्सा दिखवा जाए फेसबुक में दिखवा सेटा नहीं सही बात है यूथ आएगा तभी तो समझ पाएगा कि क्या चाहिए यूथ लोग को अब वो लोग अपने एज में उन लोगों को तो अपना हाथ मिला हाथ मिला कट जाएगा चलो ये हाथ मिलाएंगे अरे नहीं कुछ बोल रहे ठीक है तू ये दादा इस बार आपको विजय है बस आपका आशीर्वाद दीदी आर एक बार तरफ पहुंचा पहले गांव पता हो अभी तक हमें सफर कर गिरवी लोग समय कमे गांव हमें 2 साल में 3,000 गांव पूरा गिरवी लोग समय तो 1200 गांव 5 साल का टाइम मिला काहे आखिर हाँ बिल्कुल कोशिश करा एक यूथ है एनर्जेटिक है हम लोग गांव जरूर घूमेंगे आज हम लोग 2 साल में 2.5 साल में 3,000 गांव घूमे 3,000 गांव बड़ा मामा और निश्चिंत रहिए आपका जो गांव घूमने का समस्या है कि संसद गांव नहीं आते हैं वो समस्या को आपको नहीं शिकायत करने देंगे बात से जीतने के बाद एक बार समस्या है उसको खत्म ऐसा ना तो ना दीदी की तुम घर ना लियो तो रुकना थोड़ी बड़ा काम है ना इसी में ना रहो दादा कहे की हमारा ससुराल रामगढ़ जिला यहाँ हम अपने अपना नहियल के लिए लड़ रहे हैं कि लोग बेरोजगार ना रहे मेरा तो रामगढ़ की ना हम खड़ा है लेकिन रामगढ़ तो गेल वहाँ
अच्छा बता आप जब इतना जाने फिर भी सवाल करते की करें बुढ़ा खा पे लोग अब की नियर चाहे बोल हमने तो हमने कुछ ना लगे फिर भी लड़ रहा हूँ बुढ़ा खाप में आज लड़े लड़ रही है स्थानीय का रोजगार दीजिए प्रदूषण जो है इसीलिए बोल रही ताकि हमारे भाई बंधु जितना यहाँ हो सबके बेरोजगार देखो अच्छा ना लगो भाई बहन सब पानी के लिए इतना यहाँ सीसीएल टंकी होते हुए भी खुद गड्ढा में पानी ना है बाहरी आदमी नौकरी कर ले पानी की राज कर ले मैं समस्या होती है वही बोले पानी के यहाँ सीसीएल सब राज कर ले सब जीत लो उस तरह का मेंटालिटी नहीं होना चाहिए हम आपके साथ गलत करेंगे तब मेरा छवि खराब कीजिए हम नहीं जा पाए तो उसके लिए छवि मत खराब कीजिए एक वो नहीं है झारखंड में स्टेट सॉरी डिस्ट्रिक्ट 24 को डिस्ट्रिक्ट है हम 1400 जगह जाना पड़ता है बहुत जगह ऐसा नहीं दखन का बहुत ऐसा भी ना कि लोग हमारे नाम से